हेलो दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आपको सभी को ही पता है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, बच्चे भी नहीं जा सकते हैं और बड़े भी। इसलिए बच्चों के लिए मैं आज घर पे ही भेलपूरी बना रहा हूँ, बिल्कुल बाजार जैसे। उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो सब मैंने तैयार करके रख लिया है। खीले चाहिए, मुरमुरे जो कि बाज़ार में मिल जाते हैं, हरी मिर्च काट लिए थोड़ी सी, नींबू खट्टा करने के लिए और हल्का मीठा फ्लेवर देने के लिए मैंने चीनी पीस ली है, एक आलू, एक बड़ी प्याज छोटी छोटी काट लिए, चटनी डालने के लिए मैंने आम की चटनी ली है, हरा धनिया काटा है और टमाटर, ये सभी चीज़ मैंने ले लिए। चलिए हम शुरू करते हैं भेलपूरी बनाना। भेलपूरी बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का अपना डब्बा ले लिया है बड़ा, उसमें हम अपने खीले डाल देंगे, नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डाल देता हूँ, कम लगेगा तो फिर और देख लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च और हम इसे चला लेता हूँ। खट्टी चटनी डालता हूँ, 4-5 चम्मच में खट्टी चटनी डाल देता हूँ, चला लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे मैं चटनी अच्छी तरह से मिल जाए। एक बड़ा टमाटर जो मैंने काटा था वो भी डाल देता हूँ, प्याज भी डाल देता हूँ, एक बड़ी प्याज मैंने काटी थी बारीक, चला लेता हूँ। कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेता हूँ और हल्का सा खट्टा टेस्ट देने के लिए नींबू निचोड़ता हूँ, 2 नींबू जैसे हम डाल देंगे। चला लेंगे, जिस तरह से हमने नींबू डाला है खट्टेपन के लिए उसी तरह हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल लेंगे 2 चम्मच जैसा, तो खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिला लेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे, हमारी भेलपूरी तैयार हो गई है। अब इसमें हम बारीक बारीक उबला हुआ जो हमने एक आलू लिया है वो और काट देंगे और हमारी भेलपूरी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। हम अपने उबले हुए आलू छोटे छोटे पीसेस में डाल लेते हैं और फिर हम अपनी भेलपूरी को सर्व कर देंगे, तैयार है एकदम खाने के लिए। हमने अपने उबले हुए आलू काट के डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं इसे। हमारी भेलपूरी एकदम तैयार हो गई है। हमारी भेलपूरी तैयार है और हमने उसे कटोरियों में निकाल लिया है। अब ऊपर से हम सेव और डाल लेंगे, आप नमकीन या सेव ऊपर से डाल सकते हैं। दोस्तों हमारी भेलपूरी तैयार है,
एकदम बाजार जैसी मस्त लग रही है। अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।